पहले हैदराबाद, उसके बाद उन्नाव और मुजफ्फरनगर में भी दुष्कर्म की एक भयानक दरिंदगी की घटना सामने आई है जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। यहाँ पर दुष्कर्म की कोशिश के बाद युवती को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, जिसमें 85% तक युवती जल गई है और बताया जा रहा है कि उसकी जान बचना बेहद मुश्किल है। महिलाओं से दुष्कर्म और उन्हें जिंदा जलाने की घटनाएं लगातार बढ़ती ही चली जा रही हैं। ताजा मामला बिहार के मुजफ्फरनगर का है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डीलर राजकिशोर राय के बेटे राजा राय ने शनिवार की शाम को 5 बजे 2 मंजिले घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म की कोशिश की। करीब 1.5 घंटे तक वह हैवानियत की कोशिश करता रहा। अंत में नाकाम होने पर उसने केरोसिन डालकर युवती को जला दिया। बाद में युवती को एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया गया। करीब 85% तक चली युवती की हालत गंभीर है। मामला रविवार को सामने आया। युवती की मां के अनुसार जब राजा उसकी बेटी से दुष्कर्म की कोशिश कर रहा था तो उसके घर की पहली मंजिल पर मौजूद 4 किरायेदारों ने अपना कमरा बंद कर लिया था। उन्होंने युवती के चीखने चिल्लाने की आवाज को भी अनसुना कर दिया। मां के मुताबिक निजी नर्सिंग होम प्रबंधन की ओर से थाने में सूचना भी नहीं दी गई। कुल मिलाकर इस पूरे कांड की चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आखिर हालात कैसे चल रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।